अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, क्लास 9 सब्जेक्ट है। इसमें हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 है कि सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। ये हमारे पास कह सकते हैं कि इनइक्वालिटीज गिवन है, इनमें से आपने फाइंड करने जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है कि 3x + 1 < 5x - 4। अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ जो लाइट टर्म है यानी एक्स वाली टर्म को हम एक तरफ ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा 3x + 1। अब यहाँ पे आपका इनइक्वालिटी की साइड पे 5x + हो रहा है, इस तरफ आगे माइनस हो जाएगा, इनइक्वालिटी की तरफ आगे -5x < -4। अब यहाँ पे हमारे पास एक आंसर है, इसको जाना है आपने राइट साइड पर, यहाँ प्लस है, इनइक्वालिटी के वहाँ एक माइनस हो जाएगा, तो आएगा 3x - 5x < -4 - 1। अब यहाँ हमारे पास 3x और 2x, यहाँ जो आपका जो कॉफिशियंट है 3 है, यहाँ जो कॉफिशियंट है -5 है। ठीक है, अगर हमारे पास एक टर्म नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो माइनस करते हैं। ठीक है, 5 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो 2 आएगा, साइन बढ़ेगा ना वो नेगेटिव है, तो यहाँ आएगा -2x < अगर हमारे पास 2 टर्म नेगेटिव हो इनको प्लस करते हैं साइन नेगेटिव वाला, तो यहाँ पर आएगा -5। अब आपने करना कि हमें मालूम करना है वैल्यू ऑफ एक्स, अब यहाँ से -2x को हमने फिनिश करना है, तो लिखना है डिवाइडिंग बाय -2, यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आएगा डिवाइडिंग बाय -2, तो यहाँ भी रहेगा -2x/-2 -5/-2। अब आप याद रखना इनइक्वालिटी के अंदर जब हम किसी भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई, तो साइन कह सकते हैं चेंज होता है, अगर लेस देन है तो ग्रेटर बन जाएगा, अगर ग्रेटर लेस हो जाएगा, यहाँ पे लेस देन है तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन। अब यहाँ से -- कैंसिल, 2 2 कैंसिल, ठीक है, 2 1 2 1। अब यहाँ पे ये माइनस कैंसिल, तो बाकी पर रहेगा x > 5/2, तो यही हमारा आंसर होगा। इसका लिख रहे हैं आपने सोल्यूशन सेट, इसका हमारे पास होगा सॉल्यूशन सेट, इसका लिखना है आपने कि x such that x, अब यहाँ पे साइन है ग्रेटर देन, तो आएगा x such that x > 5/2, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी बना हमारे पास कि 4x - 10.3 < 21x - 1.8। अब यहाँ भी आपने जो लाइट टर्म है एक्स वाई टर्म है हमें आपने इधर लिखना है, और जो हमारे पास टर्म कांस्टेंट को आपने सेकंड साइड में जाना है। ठीक है, तो यहाँ फिर आएगा 4x, यहाँ हमारे पास +21x है, इन इक्वालिटी की तरह माइनस हो जाएगा, तो आएगा -10.3 - 21x < -1.8। अब यहाँ हमारे पास -10.3 हो रहा है, इन इक्वालिटी वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, 4x - 21x < -1.8 + 10.3। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ हमारे पास +4x है, यहाँ -21 है, 21 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 17x, साइन आना बढ़ेगा वो नेगेटिव है। अगर हमारे पास एक टर्म पॉजिटिव है नेगेटिव है तो माइनस करते हैं और साइन बढ़ेगा, उसके बाद आएगा < (n=), को अभी यहाँ माइनस करेंगे यानी कि -1.8 + 10.3, अभी ने हमने माइनस करना है, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास -1.8 + 10.3, तो यहाँ आंसर आएगा 8.5, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8.5, साइन बढ़ेगा ना पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ हमने एक्स का जो कॉफिशियंट है -17 इसे हमें फिनिश करना है, डिवाइडिंग बाय -17 यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे, तो लिखना है आपने डिवाइडिंग बाय -17, तो आएगा -17x / -17, उसके बाद साइन चेंज हो जाएगा। जब आपने इनइक्वालिटी के अंदर किसी भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई, तो साइन चेंज हो जाता है, तो आएगा > 8.5/-17। अब ये माइनस से कैंसिल, 17 1 था, 17 1 था, ये कैंसिल, तो आएगा
x greater than equal to divide करेंगे 8.5 divide by 17 तो यहां से हमारे पास 0.5 तो यहां आएगा माइनस 0.5। अब इसका लिखने आपने सॉल्यूशन सेट तो आएगा सॉल्यूशन सेट तो ये होगा x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 0.5। तो इसमें हमारे पास कह सकते हैं यही जो है वो इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 4 माइनस 1 ओवर 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 7 प्लस 1 ओवर 4x। अब आपने करना क्या है, यहां हमारे पास ना जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 और 4 गिवन है, पहले ये आपने फिनिश करना है। कैसे करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम, ठीक है, 2 का और 4 का, 2 एंड 4, 2 वन जार 2, 2 टू जार 4, 2 वन जार 2। अब यहाँ पे हमारे पास 1 बना आगे इसको हम मल्टी करेंगे तो यह आएगा एलसीएम, एलसीएम क्या होगा 2 मल्टी कर बाय 2 तो यह आएगा 4। अब आपने करना क्या है, जो भी हमारे पास एलसीएम आएगा आपने उससे डिवाइड करना है, सॉरी उससे मल्टीप करना है आप सब टर्म को, 4 को भी 1 ओवर 2x को भी माइनस 7 को भी प्लस 1 ओवर 4x को भी, तो आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम 4, उसके बाद माइनस 1 ओवर 2x मल्टीप्लाई बाय एलसीएम 4 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम 4 प्लस 1 ओवर 4x मल्टीप्लाई बाय एलसीएम 4। यहां पे हम लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय एलसीएम 4 कि जो भी हमारे पास एलसीएम आएगा ना, अगर हमारे पास कह सकते हैं कि ओवर की वैल्यू गिवन है, आपने एलसीएम देने के बाद आपने कंप्लीट जो हमारे पास टर्म गिवन है उनको आपने 4 से करना है, जो भी आपका एलसीएम है उससे करना मल्टीप्लाई, यहां भी किया हमने मल्टीप्लाई, यहां भी किया, यहां भी, यहां भी, अब 4 4 जा आएगा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 * 1 क्या आएगा 2 को 7 x आ जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस 7 8 का 7 4 का रहेगा हमारे पास 7 4 का 28 प्लस 4 1 का 4 1 का 1 × 1 क्या आएगा, यहाँ आएगा हमारे पास ही 1x। अब आपने जो लाइट टर्म है वो इधर कर लें, यानी x वाली और उसके बाद जो कॉन्स्टेंट है, अब यहाँ हमारे पास प्लस 16 है, इन क्रेडिट वहाँ एक मानस हो जाएगा, यहाँ प्लस 1x यहाँ का मानस हो जाएगा माइनस 2x माइनस 1x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 28। अब यहाँ प्लस 16 है, यहाँ आएगा माइनस 16। अब यहाँ हमारे पास कह सकते हैं जिसका कॉफिशेंट है वो 1 है, यहाँ माइनस 2 है, अगर 2 टर्म हमारे पास नेगेटिव हो इनको प्लस करेंगे साइन नेगेटिव आएगा माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 टर्म हमारे पास नेगेटिव है प्लस करेंगे साइन नेगेटिव आएगा तो अगर माइनस 44। अब यहाँ से खत्म करना माइनस डिवाइडिंग बाई माइनस 3 डिवाइडिंग बाय माइनस 3 तो आएगा माइनस 3x ओवर माइनस 3 लेस देन इक्वल टू माइनस 44 ओवर माइनस 3। ये माइनस माइनस से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 3 1 का एंड 3 1 का, तो आएगा x लेस देन इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल तो आएगा 44 ओवर 3। तो यही होगा हमारे पास सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट होगा कि x सच दैट x लेस देन इक्वल टू 44 ओवर 3। अब आप लोगों ने इन क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर दिए और इनको आप लोगों ने नोट कर दिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।